तो दोस्तों स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप कैसे खोल सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप क्यों खोलते हैं? देखिए दोस्तों, जब किसी हमें या फैमिली सर्कल या फिर फ्रेंड सर्कल में कुछ बड़े फ्रेंड सर्कल होता है तो हमें एक ग्रुप खोलने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर एडुकेशन रिलेटेड किसी भी रिलेटेड जहाँ एक बड़ा सर्कल हो उस समय एक व्हाट्सएप ग्रुप खोल के उसे मिनिमाइज़ करते हैं। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप खोलने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़, आप व्हाट्सएप में आके आपको क्या करना है, मेरे पास हालांकि GB व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में भी सेम यही प्रोसेस होता है। तो आपको व्हाट्सएप में आ जाना है, यहाँ आपको प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं क्लिक कर देता हूँ तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, यहाँ जैसे आप कॉन्टैक्ट न्यू लाते हैं वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया है तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं एक न्यू ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, एक न्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको न्यू कॉन्टैक्ट यानी जो आप नया कॉन्टैक्ट सेव करना चाहते हैं तो यहां से आप कर सकते हैं, चाहे आप एक QR कोड से भी नया कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। तो आपको बताने वाला हूं कि ग्रुप कैसे खोल सकते हैं। तो यहां देख सकते हैं न्यू ग्रुप है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको चूज करना है, आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं दो तीन बंदे चुन लेता हूँ, जैसे कि मैंने कुछ कुछ बंदे चुन लेता हो तो आप इसी प्रकार से चुन सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप सर्च का ऑप्शन भी है, और यदि चाहते हैं आप सर्च करके किसी का नेम, आपका बड़ा कॉन्टैक्ट है 500 1000 है तो उसमें ढूंढने में थोड़ी दिक्कतें आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सर्च करके भी एक दो कॉन्टैक्ट आ गए तो मैं उसे भी ऐड कर लेता हूँ। जब आप पूरे ऐड कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको एक आइकन दिखेगा, तीर का आइकन दिखेगा, तो आपको इस तीर के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं एक तीर पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको एक ऑप्शन आता है, यहाँ आप अपने ग्रुप का नेम दे सकते हैं। तो यहाँ आपको अपने ग्रुप का नेम देना है, जैसे कि मैं एक फ्रेंड्स का एक फ्रेंड्स लिख के दे देता हूँ, जैसे कि मैं ग्रुप का नेम। तो आप कोई सा भी अगर एडुकेशनल खोलते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ग्रुप का नेम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने ग्रुप का नेम दे दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर कैमरा का लोगो दिख रहा है तो यहाँ पर अपने कैमरा के लोगो पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना फ़ोटो जो भी आप हो वो दे सकते हैं, जैसे कि मैं एक लोगो ले लेता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लोगो आ चुका है, मैं डन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो फाइनली जो है यहाँ फ्रेंड का नेम और लोगो आ चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ एक ऑप्शन देख रहा है डिसअपीयरिंग मैसेज, इसका मतलब क्या आता है, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि आप जो भी मैसेज सेंड करिएगा, चाहे आपके मेम्बर्स ग्रुप में सेंड करेंगे वो मैसेज, वो ऑटोमेटिक 90 दिनों पर डिलीट हो जाएंगे, चाहे 7 दिनों पर डिलीट हो जाएंगे या 1 दिनों पर डिलीट हो जाएंगे। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग समय सेट नहीं कर सकते हैं, या तो आप 3 मंथ का ले सकते हैं, या फिर 7 डेज का ले सकते हैं, या फिर 1 डेज का ले सकते हैं। तो ऐसा होता है डिसअपीयरिंग मैसेज, तो इस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद है कि आपको ग्रुप जैसे खुल जाए तो यहाँ एक आइकन दिख रहा है राइट आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हैं आपका ग्रुप क्रिएट फाइनली हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं आपका ग्रुप का नेम यहाँ आएगा, उसके बाद जो आप लोगो दीजिएगा वहाँ आएगा, यहाँ देख सकते हैं यू क्रिएट अ ग्रुप फ्रेंड्स। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसके जो ऑल सेटिंग्स है उसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में देने वाला हूँ, उसके लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो वो देख सकते हैं। इसके ऑल सेटिंग्स के बारे में बताया गया है, इसमें किस प्रकार से मैसेज कर सकते हैं, किस प्रकार से डिसअपीयरिंग कर सकते हैं, और ग्रुप में और क्या क्या सेटिंग है सभी के बारे में एक्सप्लेन की हुई, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।